वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए मैंने लिया है उबला हुआ दो आलू। आलू को मैंने मैश कर लिया है हाथ से ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। दो मीडियम साइज के बीट, बीट को बहुत ही पतले पतले करके काट लिया है मैंने, और गाजर को भी बहुत ही पतला पतला करके काट लिया है मैंने। एक बड़ा साइज का गाजर लिया है मैंने। हरी मिर्च की पेस्ट एक छोटा चम्मच, अदरक का पेस्ट एक बड़ा चम्मच, शाही गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और ये मसाला हमने पांच तरह के मसालों को एक साथ मिक्स करके बनाया है। हम आपको दिखा देते हैं ये मसाला आप घर पे कैसे बनाएंगे। मैंने लिया है जीरा, सौंफ, काली मिर्च के दाने, सूखे लाल मिर्च और तेज़पत्ता। गरम मसाले भी इसमें यूज़ होते हैं, पर इस डिश के लिए हम इसे यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हम अलग से शाही गरम मसाला यूज़ करेंगे। एक कढ़ाई को हम हल्का सा गरम करेंगे और उसमें एक एक करके जो मसाले हमने लिए थे वो सब डाल देंगे, और अब धीमी आंच में इसे हल्का हल्का रोस्ट करते रहेंगे। तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे जब तक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ध्यान रखना होगा ताकि ये जल ना जाए। 2 से 2.5 मिनट लगता है इसे करने में। ये देखिए ये हो गया है, तो अभी हम इसे हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्स कर लेंगे एक साथ। ये देखिए मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। ये मसाला आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे आप एक कंटेनर में प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। एक कढ़ाई में हम 2 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे, और तेल हल्का गरम होने के बाद हम अदरक का पेस्ट दे देंगे, हरी मिर्च की पेस्ट भी दे देंगे। इसे हल्का पकाएंगे और फिर इसमें हमने जो बीट काट के रखे थे वो देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक दे देंगे ताकि बीट नरम हो जाए। एकदम टूट के स्मैश हो जाना नहीं चाहिए, बस नरम होने से ही होगा। थोड़ी देर बाद हम इसमें गाजर भी दे देंगे। और ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि जल्दी से ये नरम हो जाए। कुछ देर बाद हम ढक्कन को हटाते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें हम अभी जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो दे देते हैं। इसे धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां जैसे कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें मसाले देंगे। एक छोटा चम्मच मिक्स मसाला जो हमने बनाया था वो देंगे, गरम मसाला देंगे आधे छोटे चम्मच, और अच्छे से मिलाएंगे। ऊपर से धनिया पत्ता देंगे और मिला लेंगे। तो ये हमारा अंदर का फिलिंग तैयार हो गया, तो इसे हम अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम अभी बैटर बना लेंगे चॉप का बाहर का लेयर बनाने के लिए। हमने लिया है मैदा 3 छोटे चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 छोटे चम्मच, काली मिर्च पाउडर, नमक और ब्रेड क्रम्स जो बाहर के लेयर को क्रंची बनाएगा। तो चलिए बैटर बना लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हम मैदा लेंगे, कॉर्नफ्लावर लेंगे, नमक देंगे थोड़ा सा, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1 चम्मच, और फिर थोड़ा सा पानी देके इसे ऐसे मिलाते रहेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे और मिलाएंगे। ये देखिए बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होगा। इस फिलिंग को हम इक्वल डिवाइड कर लेते हैं, इससे हमें आसानी होगी। अभी हम आपको दिखाएंगे शेप कैसे बनाना है। ये हम सिलिंड्रिकल शेप बनाएंगे जो कि दुकान में कॉमनली मिलता है। ये देखिए कितनी आसानी से हो गया है। इसे हम पहले इस बैटर से कोट करेंगे दोनों साइड अच्छे से, और फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। एक हाथ बैटर के लिए और एक हाथ ब्रेड क्रम्ब के लिए। ये ब्रेड क्रम्ब भीगना नहीं चाहिए,
वरना ब्रेड क्रम्स जम जाएंगे। ये देखिए ये हो गया है। अभी हम आपको एक दूसरा शेप दिखाते हैं। ये देखिए हाथ से धीरे धीरे प्रेस करके और साइड्स को भी धीरे धीरे प्रेस करके हम इसे ऐसे गोल शेप देंगे और इसे भी सिमिलर तरीके से कोट कर लेंगे। ये हम अपने पसंद से बना रहे हैं, आप अपने पसंद के किसी भी शेप का बना सकते हैं, टेस्ट तो सेम ही आएगा। आप इन वेजिटेबल चॉप को एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। बाद में सिर्फ आपको इसे तेल में तलना होगा और ये रेडी हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में ज़्यादा करके तेल लेंगे क्योंकि इन वेजिटेबल चॉप को हमें डीप फ्राई करना है। तेल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे पहले और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब एक एक करके चॉप हम तेल में छोड़ देंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं देंगे। एक साइड थोड़ा सा हो जाने के बाद हम पलट के दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे और ऐसे बार बार पलट पलट के हम इसे जब तक ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए हम फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट लगता है हर एक बैच फ्राई होने में। मैंने जितना इंग्रेडिएंट लिया था उससे 11 वेजिटेबल चॉप बने हैं। ऊपर से ऐसे नमक छिड़क के हम गरम गरम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल चॉप कितनी आसानी से तैयार हो गया। आप भी इसे घर पे बनाइए, ये एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।